चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। कहते हैं कि किसी की किस्मत कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता, और अगर बात की जाए भोजपुरी इंडस्ट्री की तो अगर सभी स्टार्स की बात करें तो हर एक सुपरस्टार, चाहे खेसारी लाल यादव को देख लीजिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ को देख लीजिए, या फिर देख लीजिए आप यूट्यूब क्वीन आम्रपाली दुबे को। जी हाँ, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत, ऐसा कहा जाता है, हिंदी टीवी सीरियल पलकों की छांव से की थी, जिसमें वो सुमन के रोल में नजर आती थी, जिसमें आम्रपाली का बिल्कुल अलग ही रोल नजर आता था। लेकिन अब जो है आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर और सबसे चहेती एक्ट्रेस बन चुकी है, और साथ ही साथ लोगों के दिलों पर वो खासा राज करती हैं। बता दें आपको कि आम्रपाली दुबे का आज है जन्मदिन, और आज के खास मौके पर हर कोई, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्टार्स, उनको अपने अपने तरीके से जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि आम्रपाली ने जिस तरह अपने करियर की शुरुआत की थी, उस तरह से उन्हें कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर थोड़ी बहुत चिंता हुआ करती थी, और साथ ही साथ उनकी चिंता तब दूर हुई जब वो निरहुआ से मिली, और उसके बाद ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म उनके साथ की, और उसके बाद से निरहुआ आम्रपाली की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा पसंद की जाने लगी, इतना ज्यादा उन्हें प्यार मिलने लगा कि ये दोनों ज्यादातर फिल्में साथ में करने लगे, और आज इस डेट में निरहुआ और आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री के वो जोड़ी बन चुके हैं जो कि लोग उन्हें खासा पसंद करते हैं और लोगों के दिलों पर वो खासा राज करते हैं। इन दोनों की ज्यादातर फिल्में हिट होती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में, भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास करने में निरहुआ और आम्रपाली का एक खास योगदान रहा है, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री की ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से सबसे पॉपुलर जोड़ी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज आम्रपाली दुबे को किस किस एक्टर और किस किस एक्ट्रेस ने किस तरह बधाई दी जन्मदिन की, चलिए दिखाते हैं आपको इस खास प्रोग्राम बर्थडे स्पेशल में। कई सारी भोजपुरी की सुपरहिट फिल्में इंडस्ट्री को देने वाली इंडस्ट्री की क्वीन आम्रपाली दुबे आज जन्मदिन के बधाइयों से काफी खुश हैं, क्योंकि सुबह से ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अपनी कलाकारी और व्यवहार से आम्रपाली हर आम से खास लोगों के बीच दिल में बसती हैं और चर्चाओं में भी रहती हैं। ऐसे में उनकी ही दोस्त ना करें उन्हें स्पेशल फील, ऐसा हो नहीं सकता। यही कारण है कि आम्रपाली को आज सुबह सुबह ही आइकन क्वीन अक्षरा सिंह ने जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। लेकिन आम्रपाली के पतले होते ही अक्षरा ने आम्रपाली का नाम बदल दिया है। जी हाँ, पहले अक्षरा आम्रपाली को मोटकी कहकर बुलाया करती थी, लेकिन आजकल आम्रपाली को अक्षरा अम्मू कहकर बुलाती है। एक साल पहले आम्रपाली का जन्मदिन सत्या फिल्म के सेट पर अक्षरा सिंह ने सरप्राइज देकर मनाया था, जब पवन सिंह के साथ आम्रपाली ने राते दिया बुता के गाना शूट किया। लेकिन इस बार समय की कमी के चलते शायद आम्रपाली से अक्षरा मिल भी ना पाए। आज भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस और यूट्यूब की क्वीन निरहुआ की लकी गर्ल आम्रपाली दुबे का जन्मदिन है। सुबह से ही उन्हें चाहने वाले तमाम फैंस, दोस्त, को स्टार से लेकर फिल्म मेकर्स तक बधाई दे रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के जरिए तो कोई आम्रपाली को फोन कर। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आम्रपाली को बधाई दी है जुगले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। जी हाँ, निरहुआ ने रात के 12 बजे आम्रपाली का बर्थडे केक काट कर मनाया, क्योंकि दोनों फिल्म की शूटिंग के मकसद से एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, जहाँ की एक तस्वीर भी निरहुआ ने शेयर करते हुए लिखा है एक प्यार भरा कैप्शन। निरहुआ लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे स्वीटी, ड्रीम गर्ल और भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे। वेल, अगर आपको याद हो तो आम्रपाली के जन्मदिन पर पिछले साल निरहुआ ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जहां इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज सितारे नजर आए थे। इस दौरान आम्रपाली को निरहुआ ने एक आईफोन भी गिफ्ट किया था, जो आम्रपाली अभी तक अपने पास बड़े संभाल कर रखती हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि निरहुआ आम्रपाली के लिए इस जन्मदिन पर क्या स्पेशल करने वाले हैं। भोजपुरी की यूट्यूब क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का आज जन्मदिन है, और इस खास मौके पर हर कोई आम्रपाली दुबे को अपनी तरफ से खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो हाल ही में भोजपुरी के उभरते हुए स्टार रितेश पांडे, जो कि इन दिनों भोजपुरी की कई टॉप एक्ट्रेसेस के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं, वो आम्रपाली दुबे को अपने ही अलग अंदाज में जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आए। जी हाँ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आम्रपाली दुबे के साथ एक फोटो शेयर की और साथ ही उन्हें ढेर सारी जन्मदिन की बधाई दी, और साथ ही साथ उन्होंने उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में भी काफी कुछ लिखा।
और साथ ही साथ उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हुए नजर आए। वहीं बता दें आपको कि आम्रपाली दुबे और रितेश पांडे आने वाले टाइम में आप सभी के सामने एक नई फिल्म लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम थानेदार है और जल्द ही ये फिल्म आप सभी को देखने को मिलने वाली है। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आज काफी खास दिन है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ ज्यादातर फिल्मों में उनकी पत्नी और हमसफर के रोल में नजर आने वाली एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का जन्मदिन है और इस खास मौके पर हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें बधाई देता हुआ नजर आ रहा है और हाल ही में सुभी शर्मा ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। बता दें कि सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन्होंने एक फोटो शेयर की है और साथ ही उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। बता दें कि आम्रपाली दुबे और सुभी शर्मा फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में एक साथ काम कर चुकी हैं और दोनों के ही बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। हालांकि फिल्म में आम्रपाली और सुभी शर्मा एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी और एक दूसरे के विपरीत नजर आई थी, लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है और कई इवेंट्स में दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हुए नजर आती हैं। भोजपुरी के उभरते हुए स्टार यश कुमार मिश्रा ने हाल ही में आम्रपाली दुबे को जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही साथ उनको लेकर कुछ बातें भी बोली। बता दें आपको कि उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर यश कुमार मिश्रा ने आम्रपाली दुबे के साथ एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, डियर आम्रपाली, भगवान आपको दुनिया की हर खुशी दे। और उनकी इस कैप्शन से तो साफ है कि वो आम्रपाली दुबे के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते रखते हैं और साथ ही साथ वो आम्रपाली दुबे के लिए भगवान से कामना कर रहे हैं कि उन्हें भगवान सारी की सारी खुशियां दें। बता दें कि यश और आम्रपाली ने आज तक कोई फिल्में नहीं की एक साथ, लेकिन दोनों को कई इवेंट्स में एक साथ देखा जा चुका है और साथ ही साथ दोनों के बीच काफ़ी अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए आम्रपाली दुबे की तो बता दें आपको कि आम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की लकी गर्ल और साथ ही साथ यूट्यूब क्वीन भी कही जाती हैं और साथ ही उनके ज़्यादातर स्टार्स के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते देखने को मिलते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की दमदार एक्ट्रेस और अपनी खूबसूरती से सभी का दिल जीतने वाली आम्रपाली दुबे का आज जन्मदिन है। उन्हें फैंस की तरफ से और फिल्म मेकर्स की तरफ से खूब सारी बधाइयां मिल रही हैं। इंडस्ट्री के काफी सारे कलाकारों ने आम्रपाली को जन्मदिन की बधाई दी है, लेकिन आम्रपाली का जन्मदिन भूल गए पवन और खेसारी। जी हाँ, पवन के साथ एक फिल्म और 3 गाने कर चुकी हैं आम्रपाली। दोनों ने फिल्म के सेट पर अच्छी खासी बॉन्डिंग भी दिखाई है। तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल के साथ भी आम्रपाली 2 गाने कर चुकी हैं, लेकिन अफसोस पवन और खेसारी किसी को शायद आम्रपाली का जन्मदिन याद ही नहीं रहा, इसलिए तो अभी तक दोनों में से किसी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी। पवन क्रैक फाइटर की शूटिंग में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर आने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। खेसारी लाल भी जाल फिल्म के सेट पर खासा व्यस्त हैं और इसलिए वो अपना फ़ोन तक नहीं उठा पाते कई बार। उम्मीद है जैसे ही दोनों को पता चलेगा आम्रपाली को बधाई जरूर मिलेगी। वैसे भी दोनों पहले आम्रपाली की तारीफ कर चुके हैं। देखा जैसे कि आप लोगों ने कि दिनेश लाल यादव निरहुआ हमेशा से ही उनके जन्मदिन पर उन्हें कुछ ना कुछ स्पेशल देते नजर आते हैं। जहां पिछले साल उन्होंने उन्हें आईफोन गिफ्ट किया था, तो वहीं इस बार उन्होंने उनके साथ काफी खूबसूरती से बर्थडे सेलिब्रेट किया और दोनों की खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। निरहुआ ने तो अपने तरीके से कर दिया, लेकिन अक्षरा सिंह जो कि आम्रपाली की सखी कही जाती हैं, ऑन स्क्रीन सखी कही जाती हैं, और इन दोनों का होली का गाना भी पिछले साल आया था सखी की होली, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में भी, यानी कि आने वाली होली पे भी इस एल्बम का सखी के होली 2 आने वाला है। हालांकि ये दोनों ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी काफी अच्छी फ्रेंड्स हैं और ये मैं नहीं बल्कि आम्रपाली और अक्षरा की बॉन्डिंग कहती है। दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करती नजर आती हैं। जहां हाल ही में निरहुआ चला लंदन का प्रमोशन करती नजर आई थी अक्षरा सिंह, तो वहीं आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह की तमाम तरह की फोटोज सामने आती रहती हैं और अक्षरा सिंह ने उन्हें बड़े ही तहे दिल से जन्मदिन की बधाई दी है। तो वहीं खेसारी लाल यादव भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही साथ भोजपुरी के कई सारे स्टार्स ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, जो कि हमने आपको इस खास प्रोग्राम में दिखाया।
तो दोस्तों ये थी आम्रपाली दुबे की कहानी और साथ ही साथ इनका जन्मदिन किस तरह से मनाया गया और किस तरह से और कुछ होना है वो सारी सारी बातें हमने आपको इस खास प्रोग्राम में बताई। उम्मीद करती हूँ आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया।